नमस्कार, जीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना से किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार भी गौ पालकों की आमदनी बढ़ाने के गौधन न्याय योजना लेकर आई थी। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से गौ पालकों से गौमूत्र और गाय का गोबर खरीदा जा रहा है। गौ पालकों से खरीदे गए गौमूत्र और गाय के गोबर के बदले किसानों को राज्य सरकार तय राशि देती है। इससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। गाय के गोबर की खरीद को लेकर सीमेंट निर्माता कंपनी श्री सीमेंट और सरकार के बीच करार हुआ है। सीमेंट कंपनी कोयले की बजाय अब गोबर का इस्तेमाल करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सीमेंट कंपनी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कोयले की बजाय हर दिन 10 मीट्रिक टन गोबर खरीदेगी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।